जय हिंद साथियों, मार्कोस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ। साथियों, ये मेरी माँ है। अभी हम लोग, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इस बीच हम चाहें कि आपके लिए वीडियो बना दें, और मेरी माँ यहाँ बैठी है। अभी मम्मी के हम तैयार किए हैं, बाल उल झाड़ दिए हैं, मम्मी साथ बाजार जाएंगे, अब मम्मी के साड़ी उड़ी भी चपोतेंगे। आए मम्मी, हम तो बेटी हैं कि बेटा है? बेटा है। बेटी ना है, हाँ बेटा है। बेटी वाला काम करते हैं मायके हम सब। देखा, मैं मम्मी बड़ी खुश हो, गोर उर दबा दे ली है मम्मी के एकदम बढ़िया से। एक वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं हम आप लोग को 8415 का अपडेट। सुनिए बाबू, हर माँ बाप को भरोसा रहता है, इंतजार रहता है। हम समझ रहे हैं, सब गरीब हैं आप लोग। सिपाही वही वही जाता है ना जो गरीब रहता है। कभी आप देखे हैं विधायक सांसद मंत्री के बेटा को फौज में जाते हैं, चाहे सिपाही बनते हैं। किसान का बेटा जिसका बाप दिन भर पसीना बहाता है वही जाता है। तो हम आपको अपडेट के माध्यम से एक ही चीज बताना चाह रहे हैं कि रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। बात क्लियर है जहां तक हमको जानकारी है। आप सभी क्या करिए कि 1 महीना इंतजार करिए आराम से। अभी हम ही नहीं बोल रहे हैं कि 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा, हम 1 महीना डेडलाइन समय दे रहे हैं कि आप सोइए घर में आराम से, गाड़ी वगैरह से दूर रहिए, थोड़ा कम चलाइए। काहे कि बहाली आपका मेडिकल होगा, और गाड़ी वाड़ी से एक्सीडेंट नहीं करना है। अभी खेत वगैरह में काम करिए, पसीना बहाइए जितना बहा सकते हैं, और अपने आप को इंगेज रखिए। ज़्यादा वीडियो मत देखिए। देखिए, सटीक जानकारी बहुत कम आदमी को रहता है। अरे, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोगों को सटीक जानकारी है, ऐसा बात नहीं है। बहुत कम आदमी को रहता है, वो वीडियो डालता है। तो आप लोग जानकारी क्या लीजिएगा, रिजल्ट आएगा सबको पता होगा। हम लोग ट्रेनर हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी, आयोग का चेयरमैन थोड़ी है हम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आ मेरी मम्मी बैठल है बगल में, ये सोच रही है, वो कोची कोची बोल रहा है, लेकिन अभी जाएंगे बाजार। ये हमको बाजार जाने के लिए बैठे ले मम्मी तैयार होके। अब हम लेके जाएंगे बाजार साथियों, तनी कपड़ा उपड़ा धो लेंगे, उसके बाद आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग का रिजल्ट 1 महीना इंतजार करिए, घर में पंखा चालू करके सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए और निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी आपको होने वाला नहीं है। हम आपको जो अपडेट दे रहे हैं गलत नहीं बता रहे, एकदम सही बता रहे हैं। आप सभी घर में आराम करिए, लेटिए और रिजल्ट का इंतजार करिए। इस दौरान होगा क्या कि आपको मन नहीं लगेगा, लगेगा रिजल्ट आ जाता, ये हो जाता, होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट में कोई बदलाव आपका नहीं होगा। यदि आपको नंबर आ रहा है कट ऑफ से ज्यादा, तो आपका नौकरी कोई रोक देगा? धरती पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो आपका नौकरी रोक सकता है, जो सच्चाई है बता रहे हैं आपको। आप लोग अच्छा दौड़े हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए। हाँ, ऐसा है कि जिसको टाइम पता नहीं चल पाया, उसको अब तो पता नहीं चलेगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कोई ऑप्शन है जो आपका रिजल्ट पता लग नंबर पता लग सकता है? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आप अभी इंतजार ही कर सकते हैं, तो इंतजार करिए। और फालतू माथा खराब करिएगा ना वीडियो देख के, तो आपका भी दिमाग खराब होगा, आपको भी लगेगा कि साला क्या डाल दिया, गलत डाल दिया। फिर उसको लिखिएगा लन पन, इधर देवानंद, बहुत दिक्कत है। देवानंद देखो मेरा स्टूडेंट भी है। तो ये सब चीज जो है मत करिए, आराम से रहिए, सोइए, खाना पीना खाइए, माँ बाप का सेवा करिए। यही 1 महीना माँ बाप के साथ आप जीवन का बिताइएगा, उसके बाद तो आपको बढ़िया बिस्तर बांध के कभी मुजफ्फरपुर, कभी छपरा, कभी पटना, BMP वगैरह को थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसलिए आप लोग ये सब चीज़ करिए और बढ़िया से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट लगातार जो हमको मिलेगा हम आपको बताएंगे। हमको जो चीज़ लगेगा कि सच है वो हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे, नहीं लगेगा चुप रहेंगे। आप लोग इंतजार कर रहे थे वीडियो का, इसलिए हम बना दे रहे हैं। अब उसके बाद जो भी भाई हैं, सभी भाई जितने भी भाई हैं, जो भी अपडेट उनको मिल रहा है, बेचारे डाल रहे हैं, तो उनको भी कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। जितना जिनको पता होता है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप सभी निश्चिंत होकर अभी अपने कामों पे ध्यान दीजिए, फोकस रहिए, और रिजल्ट देखो आयोग भी क्या करेगा। ये सच्चाई है कि है कि आयोग 6-7 भर्ती को यहाँ पर क्लियर कर रहा है, और लिमिटेड आदमी है आयोग में। ऐसा तो नहीं है कि पूरा बिहार का जो जो भी सरकारी कर्मचारी है वो 8415 पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। लिमिटेड कर्मचारी है, वो काम कर रहे हैं। बीच में ये सब जो लोहार जाति का बीच में इशू आ गया, फिर उसके बाद फायरमैन का OMR सीट गायब हो गया। आयोग तो एक ही है, सब काम उसी को देखना है। तो आप लोग समझिए, छात्र हैं और छात्र हित में आपको भी सोचना पड़ेगा। और सरकारी कामों में थोड़ी सी देरी होती है, क्योंकि वो काम एकदम परफेक्ट होता है। साथियों, लगातार चैनल पे बने रहें। आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आए मम्मी, ये सब के नौकरिया गरीब के लेकिन के होता है। सबके होते हैं, लेकिन पेशेंस रखती तब ना सब गड़बड़ हाल होते है कि कायन हुई थे कायन। सबके होते है, देर है भगवान के नजर में, अंधेर ना है।
सबकी नौकरी हो, तो मम्मी के आशीर्वाद हो हमारे। हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी को मेरा जय हिंद।